Radhe meri swamini, main radhe ko daas, janam janam mohe di jiyo, shri vrinda Radha tu bad bhagini, kaun tapasya kin, tino lok ke naat hai, so tero जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी
तरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे प्रेम राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधे राधे रमण रति में राधे राधे
गोपेश्वर में बाके बिहारी सने बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव राधा वल्लभ युगल किशोर जी राधा रमण जी अष्ट सखी जी केशव देव जी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुमरत गांव में राधे राधे काली बिहार पर राधे राधे पान गली में राधे राधे नान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे सिंगर घाट में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधिवन में राधे राधे वंशी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकूप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे चोलन वन में राधे राधे पांडिर वन में राधे राधे मधु वन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में कुंड में अक्रु भवन में ताल वन में कुमुद वन में दरिया जी में बराई गांव में करुण गोविंद में केसरी गांव में बौला वन में संतन कुंड में शकन गांव में टेरा गांव में इंद्र कुंड में राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटार जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी
को कुटिया ब्रिज माही बनाने टूक मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें और न की परवाह नहीं अपने ठकुरान श्राधिकारानी अपने ठकुरान श्राधिकारानी अपने ठकुरान श्राधिकारानी श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Shri Krishna Balaram. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता पावन सीता राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम गौर You are my name.
संकीर्तन की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिम बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मीमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिदर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र श्यपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में देव गोविंद दामो धर्माधवे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित
श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। पवित्र भागीरथी गंगा के तट पर श्री मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर जी को भगवान कपिल देव की कथा सुना रहे हैं। वैसे अनेकों अध्यायों में यह कथा है, परंतु भगवान कपिल देव की कथा सुनने के बाद इस कथा का श्रवण करने से क्या लाभ होता है, ये बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, यदम अनुश्रुणोति मैत्रेय मुनि कहते हैं य इदम अनुश्रुणोति यो भी पद्यति कपिलह मुने। कपिल मुनि के द्वारा दिया गया उपदेश कौन सा उपदेश, जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे श्रुति फल तो बाद में बताएं, लेकिन हम पहले बता देते हैं ताकि कथा सुनने से पहले कथा की महिमा समझ में आ जाए। भगवान कपिल देव के इस चरित्र को सुनने से क्या लाभ होता है, यह इदम अनुश्रुणोति, यदि कोई व्यक्ति भगवान कपिल देव के इस उपदेश को श्रुणोति, जो सुनता है, अनुश्रुणोति माने जो बार बार सुनता है, भगवान कपिल देव के उपदेश को जो बारंबार किसी के मुख से सुनता है, उपदेश कैसा है, किस विषय में भगवान कपिल देव ने उपदेश दिया, तो कहते हैं कपिल मुने मत आत्मयोग गुह्यम। कपिल मुनि ने आत्मयोग, परमात्मा को प्राप्त करने का जो योग है उसे आत्मयोग कहा जाता है, और उस आत्मयोग को भगवद गीता में कृष्ण भक्ति योग कहते हैं। वैसे योग शब्द से आप सब लोग परिचित हो, संसार में आजकल योगा बहुत चल रहा है, रोज सुबह उठकर गार्डन में जोगर्स पार्क में लोग योगा करते हैं, और प्रायः योगा का अर्थ हम समझते हैं सिर नीचे पांव ऊपर, कपालभाति भस्त्रिका अनुलोम विलोम, इसी को योग मानते हैं। योग का वास्तविक लक्ष्य है, योग माने टू जॉइंट, योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना। संसार में भटकते हुए जीवों का भगवान के साथ संबंध छूट गया है, यह जीवों का भगवान के साथ जो संबंध छूट गया है उस संबंध को पुनः जोड़ देना उसे योग कहा जाता है। और यह मात्र सिर नीचे और पांव पर करने से नहीं होता है, भटकते हुए जीवों का भगवान के साथ योग भक्ति के द्वारा होता है। आत्मयोग गुह्यम, भगवान कपिल देव ने आत्मयोग, परमात्मा को प्राप्त करने का जो योग है भक्ति योग, और भक्ति योग में भी गुह्यम गूढ़ रहस्य और तत्व का वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति भगवान कपिल देव के मुख से निकले हुए इस आत्मयोग भक्ति योग के गूढ़ रहस्य को सुन लेता है तो भगवती कृत धी,
तो वह व्यक्ति भगवती भगवान में भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस उपदेश को सुनकर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कृत कृत माने वो भक्त बन जाता है। और इतना ही नहीं, जीवन भर तक वह भगवान के भजन में मग्न रहता है, जीवन भर तक सुखी हो जाता है। और मृत्यु के बाद सुपर्ण केता, सुपर्ण जिसकी सुंदर पर्ण, जिसकी सुंदर पंख है, ऐसे गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान के साथ वह भक्त वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सुपर्ण केता विप्लवते भगवत पदार विंदम, गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवत पदार विंदम भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है। तो यह अद्भुत भगवान कपिल देव का यह उपदेश जो वास्तव में सुनने लायक है। इस उपदेश को सुनना ही बहुत बड़ी भक्ति है, और यदि इसे जीवन में पालन किया जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव उपस्थित हैं, और एक दिन उनकी माता देवहूति दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र भगवान कपिल देव के पास आई, चरणों में प्रणाम किया और निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, आज मैं आपकी मां बनकर नहीं परंतु एक शिष्या बनकर आई। देखिए, उपदेश यदि हमारा बेटा भी दे रहा हो ना, और उस उपदेश को यदि जीवन में उतारना है तो उस समय बेटे को गुरु समझ लेना यही बुद्धिमानी है। भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुना रहे थे, उस सभा में वेदव्यास मुनि बैठे थे जो सुखदेव जी के पिता भी थे और भागवत पढ़ाने वाले गुरु भी थे। लेकिन सुखदेव जी जब भागवत सुना रहे थे तो वेदव्यास जी शिष्य बनकर उनके चरणों में बैठे। तो माता देवहूति एक शिष्य के भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव के पास आई और निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मेरा जीवन अनेकों दुखों से ग्रस्त है, मेरे जीवन में अशांति है। प्रभु, मैं इन दुखों से मुक्त होने के लिए क्या करूं? देखिए, बहुत सुंदर जिज्ञासा है। देवहूति के जीवन में दुख था, पति तो चले गए थे संन्यास लेकर, अपना घर संसार छोड़कर पतिदेव चले गए हैं, पर देवहूति अकेली घर पर है, जीवन में दुख है। और इस दुख से मुक्त होने के लिए देवहूति संसार में किसी अन्य पुरुष के पास नहीं गई, किसी व्यक्ति के पास नहीं, देवहूति साक्षात भगवान के पास गई। दुनिया में जब हृदय में दुख हो और उन दुखों से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान या तो उनके भक्त गुरु की शरण में जाना चाहिए। सूफी ने बहुत सुंदर लिखा है, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, हृदय में दुख है और आंखों में आंसू है। इस आंसू को लेकर दुनिया में किसी भी आदमी के पास जाओगे भक्तों, संसार में सबके दामन भीगे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब लोग दुखी हैं, किसके पास जाएंगे?
चाहे राजा हो या रंक, चाहे अमीर हो या दरिद्र, सब लोग दुखी हैं। हमारे दुखों को लेकर जाएंगे तो वो अपने दुख गाने लगेंगे। इसलिए वास्तव में यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु की शरण में या भगवान की शरण में। माता देव होती आज भगवान कपिल देव के शरणों में आई है, पर कहती हैं कि मुझे दुखों से मुक्त होने का उपाय बताइए। दुखों से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमें दुख का स्वरूप समझना चाहिए। मानो हमारे जीवन में हमको कोई रोग हुआ है, हम बीमार हैं, और यदि हम बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह जानना होगा कि बीमारी कौन सी है। अब बीमारी कुछ और है और दवाई कुछ और ले रहे हैं तो जीवन भर तक उस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो पहले रोग का स्वरूप समझना चाहिए कि यह रोग है कौन सा। और उसके पहले भी मूल में यदि हम चले जाएं तो आदमी को यह पता होना चाहिए कि मैं रोगी हूं। खुद को पता ही नहीं है कि मैं रोगी हूं तो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा। सबसे पहले तो यह जानना कि मैं दुखी हूं, यह बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। आज माता देवहूति को यह एहसास हुआ कि मैं दुखी हूं, यह भगवान की ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि संसार में कुछ लोग तो यही नहीं समझते कि हम दुखी हैं। कुछ लोग मानते हैं चार दिन की चांदनी ऐश करो यार, लेकिन इस दुनिया में ऐश है कहां। कुछ लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, सुखी थोड़े बहुत धन पैसा गाड़ी मिल गई तो सुखी समझते हैं, लेकिन इस जगत बनाने वाले, इस ये दुनिया का निर्माण करने वाले भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम। ये अर्जुन, ये दुनिया मैंने बनाई और ये दुनिया दुखालय है। अब बनाने वाले ने जिसे दुखालय बनाया तो हम इसे सुखालय कैसे बना सकते हैं। कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं, प्रभु जी मैं परेशान हो गया, जीवन में बहुत टेंशन, बहुत दुखी हूं। तब हम कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, ठीक, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। आदमी को यह एहसास है कि मैं दुखी हूं तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, क्योंकि बनाने वाले ने यह दुखालय जगत बनाया तो दुखी रहेगा। अब कोई फुकेट में आकर कहे अरे रे यहां तो पानी पानी, तू पानी देखने के लिए तो आया। कोई यूरोप में जाकर कहे कि अरे यहां तो बहुत ठंड है, तू ठंड खाने के लिए तो गया है वहां पर। तो इस दुनिया में आकर कोई ऐसा कहे कि मैं दुखी हूं तो दुखी होने के लिए तो ये दुनिया बनाई। इसलिए जब आदमी कहता है कि मैं दुखी हूं, समझो कि उसकी बुद्धि ठिकाने पर है। लेकिन सुबह सुबह कोई आपको मिल जाए और आप पूछो हाउ आर यू, और आदमी कहे वेरी फाइन, बहुत बहुत अच्छा, मजे में, तब समझना चाहिए तीसरे माले में कुछ गड़बड़ है, भेजे में कुछ गड़बड़ है। संसार के स्वरूप को, इस दुख को समझना चाहिए। रजोधिका कर्मोपरा दुखे च सुख माने, दुख का एहसास होना यह भी बहुत बड़ी बात है। जब तक आदमी को दुख का एहसास नहीं होगा तब तक वह दुखों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा। जब तक आदमी को पता नहीं चलेगा कि मुझे रोग है तब तक वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी चीज है कि नहीं, यह तो समझ में आ रहा है कि मैं दुखी हूं। तो माता देवहूति को यह एहसास हो चुका है कि मैं दुखी हूं, और भगवान को कह रही है प्रभु दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो सर्वप्रथम भगवान कपिल देव दुख का कारण बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। प्रसंगम अजरम पाशम
आत्मानं कवयो विदो स एव साधुषु कृते मोक्षद्वार अपार प्रसंगम अजरम पाशम। माता देवहूति ने दुखों से मुक्त होने का उपाय पूछा तो सर्वप्रथम भगवान कपिल देव दुख का कारण बताते हैं। दुख का कारण क्या है? प्रसंगम अजरम पाशम। दुख का कारण है बंधन, बाउंडेज। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के बंधन हैं और वह बंधन ही दुख का कारण है। आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार कीजिए, बंधन ही दुख का कारण है। वैसे हम लोग सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंस हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन तत्व से देखा जाए तो हम लोग स्वतंत्र नहीं, हम परतंत्र हैं। अनेकों प्रकार के बंधन आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये सारे बंधन जो हैं, ये दुख का कारण है। तो दुख का कारण है बंधन, तो बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है आसक्ति। दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट। संसार में किसी व्यक्ति के साथ या संसार की किसी वस्तु के साथ अटैचमेंट, आसक्ति, ये बंधन का कारण है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो मेरी वाइफ के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। मैं मोबाइल के बिना एक मिनट नहीं जी सकता। ये अटैचमेंट, ये आसक्ति। मैं पैसों के बिना एक कदम नहीं चल सकता हूं, ये आसक्ति। मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूं, ये घर के प्रति आसक्ति। शास्त्र का सिद्धांत है कि हमें इस संसार में रहना है, लेकिन इस संसार में रहकर संसार की व्यक्ति से और संसार की वस्तु से आसक्त नहीं होना है, अटैच नहीं होना है। जैसे भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं पद्म पत्र इवांबसा, जैसे कमल कीचड़ में होता है, गंदगी में होता है, कीचड़ में रहकर भी कमल उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, उसे अटैच नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमें इस दुनिया में रहना है, काम धंधा बिजनेस ये सब कुछ करना है, लेकिन उस वस्तु के प्रति, उन लोगों के प्रति आसक्त नहीं रहना है। यह आसक्ति ही दुख का कारण, बंधन का कारण, आसक्ति से मुक्त होना है। और गृहस्थों को बहुत सुंदर उपदेश, कभी हमें समय मिला तो हम श्रवण करेंगे। गृहस्थियों के लिए नारद मुनि सप्तम स्कंद में उपदेश देते हैं, उनमें से एक पॉइंट में आपको यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। नारद जी ने कहा कि गृहस्थ में जितने भी पुरुष हैं उन सब के हृदय में विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए। यदि पुरुष आसक्ति में फंसा तो गया काम से। श्री प्रभुपाद जी बंगला भाषा में एक कहावत कहते हैं, जले नौका थाके तार खोती नाई। नौका जब तक जल में है, आप तो यहां पर जाते ही होंगे, ये फीफी फीफी आइलैंड और ये आइलैंड वो आइलैंड, तो नौका में आप बैठते हो और नौका जल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तो नौका डूबेगी। वैसे हम जब तक गृहस्थी में रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गृहस्थी हमारे अंदर आ गई, हम ऑफिस में जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑफिस यदि हमारे अंदर आ गई, अटैचमेंट हो गया, तो बहुत भारी प्रॉब्लम है। इसलिए गृहस्थी में रहना है, लेकिन गृहस्थी की व्यक्ति और वस्तुओं से आसक्त नहीं होना है। ये आसक्ति से हमें छूटना है।
आसक्ति से मुक्त होना है, और जब तक ये आसक्ति है तब तक ये गीता भागवत के उपदेश भी समझने में नहीं आएंगे। आसक्ति जब तक है हृदय में किसी वस्तु के प्रति और व्यक्ति के प्रति, तब तक कितनी हूं कथा सुन लो, कितना हूं प्रवचन सुन लो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपने सुना होगा भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन मोह माया ममता से मुक्त हो गया, और वही गीता का उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र महाराज को दिया, परंतु धृतराष्ट्र महाराज उस गीता के उपदेश को स्वीकार नहीं कर पाए, भगवत गीता को नहीं समझे, क्योंकि धृतराष्ट्र के हृदय में आसक्ति थी अपने राज्य के प्रति और अपने पुत्र के प्रति। कोई भागवत कथा में आए, प्रवचन में सबसे आगे बैठा रहे, लेकिन आसक्ति है अपनी पत्नी से, बच्चे से, गुटखा से, तंबाकू से, तब तक कितना हूं प्रवचन सुने, कितना हूं आगे बैठकर सुने, फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इन उपदेशों को यदि जीवन में उतारना चाहते हैं तो आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। हम देखते हैं कुछ लोग भक्ति में आते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, पांच पांच दस दस साल से भक्ति में हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि भक्ति में आ गए लेकिन संसार की वस्तुओं की और व्यक्ति की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए पांच पांच दस दस साल से भक्ति में होने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कैसे? महात्मा गण दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी का विवाह था, दूसरे दिन विवाह था तो पूरी बारात रात को ही चली गई, क्योंकि जहां विवाह करने के लिए जाना था तो समंदर को, नदी को पार करना था, तो रात को पहुंच गए, नाव वाले को हायर किया और कहा देखो हमको सुबह तक उस पार पहुंचा देना। तो ठीक है, पूरी बारात उस नाव में बैठ गई, रात का समय था, सब लोग, सभी यात्री सो गए, और नाव वाला, नाव चलाने वाला नाव को चलाने लगा अपना चक्कू, रात भर चलाया, सुबह उठकर यात्रियों ने देखा तो जिस किनारे से नौका में बैठे थे नौका उसी किनारे पर खड़ी थी। सब लोग हल्ला करने लगे, अरे 40 साल के बाद बेचारे की शादी करने जा रहे थे, मुहूर्त निकल गया और तुमने नाव चलाई नहीं। सब लोग उस नाव चलाने वाले को डांटने लगे, तो उस समय किसी ने कहा देखो इसने तो रात भर नाव चलाई है, नाव इसने रात भर चलाई लेकिन लंगर निकालना भूल गया था। नौका को पार्किंग में खड़े करने के लिए वो लोहे का लंगर फेंकते हैं, और लंगर फेंकते हैं तो नौका वहीं पर खड़ी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार कुछ लोग दो साल, पांच साल, दस दस साल से भक्ति करते हैं और बहुत बहुत सेवा भी करते हैं, लेकिन आसक्ति से, आसक्ति रूपी लंगर से मुक्त नहीं होने के कारण दस दस साल से सेवा करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। देखते हैं जीवन में कोई परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा, छोड़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं समय आने पर अपने आप छूट जाता है, इस दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता है। एक काम करो, सो जाओ, अपने आप भोजन हो जाएगा। भोजन करने के लिए तो खड़े होते हैं, प्लेट को उठाते हैं, चबाते हैं, करना, मेहनत करनी होगी, अपने आप कुछ नहीं होता है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, भक्ति में जो अनुकूल है उस चीज को स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल को त्याग देना चाहिए। इसलिए संसार की आसक्ति जो है भक्ति में बड़ी प्रतिकूल चीज है, त्यागना चाहिए।
तो भगवान कपिल देव कहते हैं दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति। संसार में हम देखते हैं कुछ लोगों की अनेकों वस्तुओं के प्रति आसक्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो चाय नहीं छोड़ सकते हैं, चाय के प्रति आसक्त होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, नॉनवेज में आसक्त हैं। कुछ लोग सोचते हैं कहते हैं हम स्त्री को नहीं छोड़ सकते, स्त्री में आसक्त हैं। और इन आसक्ति में फंसकर उनका भोग भोगते रहते हैं। लेकिन संसार का जीव ये नहीं जानता है कि ये जीव भोगों को नहीं भोगता, भोग ही उसको भोगत रहे हैं। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े राजा हुए भरतहरि, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। राजा थे, भोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ तो उन्होंने ग्रंथ लिखा और उसमें कहते हैं भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता, तपसान तपसा वैमेव तपसा। भरतहरि लिखते हैं कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं, लेकिन मैंने भोगों को नहीं भोगता, भोगों ने मुझे भोग लिया। हम क्या भोगों को भोगेंगे, भोग हमें भोगत रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, लेकिन हम सिगरेट और शराब को नहीं पी रहे हैं, सिगरेट और शराब हमको पी रही है। इसलिए हमें इसे त्याग देना चाहिए। हम सोचते हैं कि इससे हमें आनंद मिल रहा है, कोई आनंद नहीं, इससे मात्र दुख और दर्द मिलता है। आदमी अनेकों प्रकार के व्यसन में फंस जाता है। व्यसन का अर्थ ही है दुख, ये संस्कृत शब्द है, और व्यसन संस्कृत शब्द है, इसका ट्रांसलेट यदि करेंगे तो ये दुख, ये मात्र दुख देने के लिए बने हैं। इस संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि शराब पीने से बड़ा आनंद मिलता है, कोई आनंद नहीं। हम जिसे आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं, वो बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है। कुछ लोग सोचते हैं तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से बड़ा आनंद, ये आनंद नहीं। ये सब खाने से आध्यात्मिक भक्ति तो बहुत दूर की बात है, शरीर बिगड़ जाता है, शरीर सुख भी नहीं मिल सकता है। आजकल दुनिया में बहुत बड़ा रोग है, सोचते हैं स्त्री और पुरुष का मिलन ये सबसे बड़ा सुख है, स्त्री और पुरुष का जो संबंध है ये सबसे बड़ा सुख। लेकिन तत्व से विचार करो, क्या ये सुख है? उस सुख को लेने के लिए कितना धन व्यय करना होता है, कितना समय व्यय करना पड़ता है, और इतना धन इतना समय व्यय करने के बाद भी वह सुख कितनी घड़ी के लिए, 2, 5 या 10 सेकंड के लिए? और उस 2, 5 और 10 सेकंड का भी सुख नहीं है, दुख है। मनुष्य सोचता है कि ये सुख, ये सुख नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। दिलो दिमाग से मैं जानता हूं कि ये कथा मैं फुकेट में कर रहा हूं, इसलिए इस विषय के ऊपर थोड़ा गौर कर रहा हूं। इस संसार में लोग समझते हैं स्त्री पुरुष का संबंध ये बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा दुख है। शास्त्र में लिखा है कि पुरुष को अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। आप एक सेकंड के लिए सोचो कि जब वीर्य पात होता है तो पुरुष को आनंद आता है। वही वीर्य को यदि पुरुष धारण करके रखेगा, अपने शरीर में रखेगा, तो उसको कितना आनंद आएगा, उसके जीवन में कितना सुख बढ़ेगा। और हमारा इतिहास साक्षी है कि जब मनुष्य अपने वीर्य की रक्षा करता है, पुरुषों के लिए वीर्य, स्त्रियों के लिए रज, रज और वीर्य दोनों के लिए है, जब ये वीर्य की रक्षा करता है तो वह ऊर्ध्व रेता बनता है, वह वीर्य ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर चढ़ता है, उनका तेज बढ़ता है, उनका प्रभाव बढ़ता है, उनकी वाचा शक्ति बढ़ती है, उनकी स्मृति शक्ति बढ़ती है। परंतु दुर्भाग्य है जीव का
जिस वीर्य की रक्षा करनी चाहिए संसार के भोगों में फंसकर अपने वीर्य का पात कर देता है। और पुरुषों के द्वारा वीर्य पात करने से उतना ही पाप लगता है जितना स्त्रियों के द्वारा गर्भपात करने से लगता है। आदमी सोचता है कि इस स्त्री और पुरुष के मिलन में बड़ा सुख बड़ा आनंद है, आनंद नहीं, आदमी अपनी एनर्जी अपनी आयु का हनन कर रहा है, अपनी आयु गवा रहा है, अपनी शक्ति गवा रहा है। जो शक्ति भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिली है, भजन करने के लिए मिली है, वह शक्ति को गवा रहा है। इसलिए इन भोगों में नहीं फंसना चाहिए। जीवन मिला है भजन करने के लिए। भोगान भोगता वैमेव भोगता। और यदि कोई आदमी इसमें फंस गया तो कभी बाहर नहीं निकल सकता। संसार के कुछ लोग का ऐसा मानना है, नहीं, मन में यदि ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है तो इस इच्छा को पूर्ण कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय है, धर्म भी है, जिसमें कहा जाता है कि मन में इच्छा है तो इसे पूर्ण करो। मन में ऐसी इच्छा को दबा लेना चाहिए, पूर्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कामना जो है आग के समान है, अग्नि के समान। और कामनाओं को पूर्ण करना ये अग्नि में घी डालने के समान है। कहीं आग भभक रही है, अग्नि प्रज्वलित है, और उस अग्नि में 5 किलो घी डाल दो तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वह अग्नि बुझ जाएगी। बताओ, वो सोच रहा है कि मैं आनंद ले रहा हूं, तो क्या आनंद है? खुद भी परेशान, हम भी परेशान, और उसमें एक्सीडेंट हुआ तो उसका परिवार परेशान। तत्व से कोई नहीं समझता। क्या कह रहा है ना भाई? जी, भोजन वाले को अग्नि याद रहा। ये कामनाएं जो है अग्नि के समान है, और अग्नि में 5 किलो घी डाल दो तो हो सकता है कुछ देर के लिए वे अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन कुछ देर के बाद वह अग्नि 10 गुना और बढ़ जाएगी। वैसे मन में जब कामना उत्पन्न होती है तो उस कामना को दबा लेना चाहिए। उस कामना को पूर्ण करोगे तो जितनी कामना है उससे 10 गुना और बढ़ जाएगी। कामनाओं को दबा लेना चाहिए, इन आसक्तियों से, संसार की ये तड़क भड़क से मुक्त हो जाना चाहिए। कई बार कुछ लोग देखा देखी में आसक्त बन जाते हैं। उसने 5000 की साड़ी पहनी है तो मैं 6000 की पहनूंगी। वो 15 लाख की कार में घूमता है तो मैं 20 लाख में घूमूंगा। ऐसी आसक्ति नहीं, आदमी को बुद्धिमान बनना चाहिए और तत्व से दुनिया को देखना चाहिए। यदि किसी ने 5000 की साड़ी पहनी और हमने 500 की पहनी है तो हमें क्या सोचना चाहिए? आसक्ति में फंसी हुई स्त्री सोचती है कि मेरे पास मात्र 500 की, उसके पास 5000 की, वे दुखी होती है। लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं, हमें यह सोचना चाहिए कि उस स्त्री को सुखी होने के लिए 5000 की साड़ी पहननी पड़ती है और मैं तो 500 में सुखी हूं। वो इतनी दुखी है, वो स्त्री इतनी दुखी है कि सुखी होने के लिए 5000 खर्च करना पड़ा, और मेरे जीवन में इतना दुख नहीं क्योंकि 500 में काम बन गया। खुश होना चाहिए। किसके पास 20 लाख की कार है, हमारे पास 2 लाख की है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। यह सोचना चाहिए कि उसे सुखी होने के लिए 20 लाख खर्च करने पड़े और मैं तो 2 लाख में ही सुखी हूं। और बिना कार वाले तो नाचना चाहिए है? क्योंकि कार लेने वाले जो है ना, एक ही जीवन में एक दिन सुखी होते हैं और बिना कार वाले रोज सुखी रहते हैं।
कार लेने वाले जिस दिन कार खरीदते उस दिन हार पहनाते हैं और अनेक प्रकार से सुखी होते हैं, लेकिन रोज मरते रहते हैं बेचारे जब पेट्रोल पंप में जाना होता है और उसमें ट्रैफिक में फंस गए हैं, उसमें एक्सीडेंट हो गया, पार्किंग में आ गया पुलिस वाला लेने के लिए, कितनी मगजमारी है। इस संसार की जो सुविधा है ना वही दुविधा है, वही दुख का कारण है। तो संसार की आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए, इन आसक्तियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब माता देवहूति भगवान कपिल देव से कहती हैं, प्रभु आपकी बात मुझे समझ में आ रही है,